इन्होंने कहा व्यक्ति पूजा नहीं होती है, हमारे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कहा था भारत के इतिहास में इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, व्यक्ति पूजा थोड़ी थी, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर उद्घोष था। और इतना ही नहीं, दो दो प्रधानमंत्रियों ने अपने द्वारा गठित कमेटी में अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया, ये व्यक्ति पूजा नहीं थी, ये भी सेक्युलरिज्म का सुंदर उद्घोष था। और इतना ही नहीं, अब तो मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी दिखाई पड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा तपस्वियों का देश है, और यह तपस्वियों का देश इसलिए कि यहां पर आदमी तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करता है, और इसे हम भारत माता कहते हैं, जिसे गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा कहा गया, उसका भी कोई पिता होता था, यह भी कोई व्यक्ति पूजा नहीं थी, ये सब तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। इसलिए मैंने कहा कितने भी आवरण ओढ़ के आ जाइए, देश की प्रबुद्ध जनता और इस परंपरा के पारंगत प्रज्ञा वाले लोग सब समझते हैं कि कौन भगत है कौन बगुला भगत है। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कौन भगत है और कौन बगुला भगत है? देखिए आदित्य जी, मैं बड़े सरल शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगा। सुधांशु जी ने बड़ा शास्त्र का, उपनिषद का और हनुमान चालीसा का उदाहरण देकर के राहुल गांधी को गलत सिद्ध करने की कोशिश की है, राहुल गांधी जी के वक्तव्य को गलत सिद्ध करने की कोशिश की है, और यहां तक उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी की जो तपस्या है, उनकी जो पदयात्रा है जिसे लोग तपस्या के रूप में भी देख रहे हैं, वो अभी एक ढोंग है, पाखंड है। तो भाई राहुल गांधी जी जब वैष्णो देवी गए थे वो भी ढोंग था, राहुल गांधी जी मानसरोवर गए वो भी ढोंग था, राहुल गांधी जी केदारनाथ पैदल चल के गए वो भी ढोंग था, राहुल गांधी जी अगर महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, वो भी ढोंग होता है। आपके सारे नेता मंदिर जाते हैं क्योंकि वो महान तपस्वी भगीरथ की श्रेणी में गिने जाते हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी एक पॉलिटिकल आदमी हैं, राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाए, उसमें उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल दांव पे लगा करके भारत को जानने का प्रयास किया है, भारत के जनमानस से मिलने का प्रयास किया है, भारत को समझने का प्रयास किया है। तो ये कौन सा गुनाह है, पहली बात। दूसरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं, क्या इस 3000 किलोमीटर की यात्रा में सुधांशु जी कोई एक ऐसा कदम है, कोई ऐसी पहल है, कोई ऐसी बात है राहुल गांधी की जिसको आपने कभी अप्रिशिएट किया हो? तीसरी बात, अगर राहुल गांधी जी इतने बड़े पापी हैं, राहुल गांधी जी इतने बड़े दुष्ट हैं, राहुल गांधी जी कालनेमी हैं, राहुल गांधी जी राक्षस हैं, राहुल गांधी जी दानव हैं और कांग्रेस पार्टी गलत है, तो इस देश को तो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल से ज्यादा चलाने का काम किया है, और विश्व हिंदू परिषद, RSS, तमाम साधु संत महात्मा, किसी ने भी एक ने नहीं कहा, यहां तक कि रामलला के हमारे जो मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी महाराज हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई पैदल चलना, पदयात्रा करना, इसको इसमें कौन सा खोट दिखाई दे रहा है आपको? मेरा मतलब ये है अदिति जी, सुधांशु जी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं, नंबर एक, उसमें उन्हें फायदा दिखता है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, अरे हमसे बड़ा हिंदू कौन है? गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, है? कौन है हमसे बड़ा हिंदू? हम कांग्रेस के साथ है तो हिंदू नहीं रह गए क्या? है, मैं श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं, मैं हमसे बड़ा हिंदू कौन है? त्याग, तपस्या, बलिदान। जहां तक तप की परिभाषा का सवाल है, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा तेम रक्त लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। परमात्मा का एक जगह बैठता है, परमात्मा भाजपा वालों का है और कांग्रेस वालों का नहीं है, ये कैसी परिभाषा आप कर रहे हैं सुधांशु जी? पहली बार मैं आपसे असहमत हो रहा हूं अदिति जी के शो में, और मैं कहना चाहता हूं आप क्या आप हिंदू होने की परिभाषा करने का प्रयास मत करें, बहुत हो चुका ये, बहुत हो चुका। भगवान राम के बारे में कहा गया अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, राम किसी एक जाति के नहीं हो सकते, राम किसी एक धर्म के नहीं हो सकते, राम है सबके हैं, इक्ष्वाकु वंश के राम, रघुकुल नंदन राम, दशरथ नंदन राम, महाराज अज के वंशज राम जी, शबरी के राम, जटायु के राम, केवट के राम, महाराज राम पर मोहर लगाने का प्रयास मत करिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ सुधांशु जी बोलो, सुधांशु जी बोलो जय श्री राम, सुधांशु जी बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीता राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड आचार्य, और बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये गांधी का देश है। मैं सुधांशु जी से सवाल जवाब लेना चाहता हूँ, उनकी बात का जवाब मैंने दिया। उससे पहले महंत राजूदास आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। उससे पहले उनका जवाब ले लीजिए। महंत राजूदास, महंत राजूदास जी जुड़ गए हैं क्या? अदिति जी, मेरा पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमको मौका दिया ही नहीं, बहुत देर बाद मौका दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से एक अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत सही तरीके से तुलना किया है राहुल गांधी जी का, उन्होंने गलत नहीं किया, सही उन्होंने कहा। ये कालनेमी वाला रूप है राहुल गांधी का, सही इन्होंने कहा, कांग्रेस का ये राक्षस रूप है, उन्होंने सही कहा, गलत नहीं कहा, उन्होंने 100% सही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी राम जन्मभूमि के पुजारी जी ने प्रशस्ति पत्र दे दिया राहुल गांधी जी को कि उनकी यात्रा बहुत सही है, उन्होंने ये भी सही कहा। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं आचार्य प्रबोध कृष्ण जी से सवाल पूछता हूँ, महाराज जी आप कल की पीठाधीश्वर हैं, आप एक संत हैं, आप एक साधु हैं, लेकिन आपसे सवाल है, 2015 से पहले क्या कोई राम की बात क्यों नहीं करता था, कोई राम जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करता था आपके पार्टी के नेता, कोई भगवा वस्त्र क्यों नहीं पहनता था, कोई रुद्राज की माला क्यों नहीं पहनता था, कोई नकली हिंदू बनने का प्रयास क्यों नहीं करता था? आप तो बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जब हमको जोड़ दिया जाता है तब आप नहीं बोलते थे, आपके मुंह सिल जाते थे। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता कहते थे कि कोर्ट का आदेश का हम मानेंगे, अध्यादेश लाकर राम जन्मभूमि मंदिर का न्याय निर्माण नहीं करेंगे, तब आपकी जवान सिल जाती थी। इसके पहले राहुल गांधी तो कभी राम की बात नहीं करते थे, कभी साधु संतों की बात नहीं करते थे, कभी जवाब ले लीजिए, तो नहीं आया जवाब ले लीजिए, महंत राजूदास जी जवाब ले लीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन से जवाब ले लीजिए। सवाल तो सुधांशु त्रिवेदी से था, उसका जवाब मैं लूंगी, प्लीज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। एक तो मैं अयोध्या जी से पधारे हैं महंत राजूदास जी महाराज, बड़ा स्नेह और बड़ा सम्मान उनको करता हूं, लेकिन भाषा पे कंट्रोल रखो, जवान सिल जाती थी ये भाषा ठीक नहीं है संतों के लिए, और अपनी मर्यादा को मत मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास मत करो राजूदास जी। दूसरी बात यह है, जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, मैं कई बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव को लेकर चलती है, लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो गया है जिन्हें हिंदू नामक शब्द से भी नफरत थी, जिन्हें हिंदू से चिढ़ थी, जिन्हें राम के नाम से चिढ़ थी। इसीलिए कांग्रेस के कुछ नेता, बड़े बड़े नेता अभी तक भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। अगर कांग्रेस पार्टी राम विरोधी होती तो राम मंदिर जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। शिला पूजन किसने कराया? कांग्रेस ने। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो अयोध्या के अंदर जो राम मेले की शुरुआत कर रही है, कांग्रेस की राज में वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि हर दल में हर प्रकार के लोग होते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि उस दल पर आप एक हिंदू विरोधी, एक धर्म विरोधी होने का ठप्पा लगाओ। और राजूदास जी महाराज सुनिए, जब समय बदलता है, देश काल और परिस्थिति बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। आज समय परिवर्तित हुआ, एक समय कांग्रेस का था, आज भाजपा का समय है, लेकिन यह समय निरंतर एक सा नहीं रहता है, यह बदलेगा। और जो बदलेगा, धर्म के अगर खिलाफ कांग्रेस होगी, जिस दिन कांग्रेस धर्म विरोधी होगी, उस दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, ये आप जान लीजिएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? कांग्रेस हिंदू विरोधी बिल्कुल नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता कुछ हिंदू विरोधी थे, उसको ठीक करने का काम राहुल गांधी की पदयात्रा कर रही है। आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप राहुल गांधी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के परिश्रम पर पानी फेरने का काम मत करिएगा। आचार्य जी, थोड़ी देर पहले ये बात मैं सुरेंद्र राजपूत से भी कह रही थी, आप इतने वरिष्ठ हैं, जब तप की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है पेशेंस की, सहन शक्ति की, सहनशीलता की, दूसरे के प्रति सम्मान की और आपा ना होने की।